नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ था पुष्कर और आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ अभी मैं पुष्कर मेले का। और आप ये देख सकते हैं कि रेगिस्तान का झाज ऊँट वो पुष्कर मेले में आ चुका है और यहाँ पर घोड़ों से ज़्यादा अभी ऊँट आ चुके हैं। और ऊँटों की जो जगह है वो थोड़ी सी लगता है पहले से चेंज कर दी गई है। अरे कोई व्यवस्था ही कोई नहीं की करो, कोई करो उनको। क्या हुआ भाई साहब, व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है यार, मेले में क्या है, हम जैसलमेर बाड़मेर आए हैं यार। कहाँ से आए हो? जैसलमेर से। जैसलमेर बाड़मेर से यार, 10 रोज तो लगा रास्ते में। अच्छा, कोई व्यवस्था ही नहीं है, पानी नहीं, बिजली। हाँ, तो अभी पानी वगैरह कैसे पिला रहे हो घोड़ों को? क्या पिला रहे यार, घोड़ों को क्या पिला रहे हो, कोई बाल्टी कहाँ से, गर्म से भर ला के पिलाओ, कोई कहाँ से पिलाओ। अच्छा, घोड़ों और ऊँट के लिए कोई पानी का इंतजाम नहीं है? पानी का इंतजाम नहीं है। तो आप ऊँट को पानी पिलाने कहाँ ले जा रहे हो अभी? अभी ये घर में कोई भी मांग के बाल्टी भर के पिलाओ। तो एक एक बाल्टी भर के लाते हो? तो क्या करूँगा यार, बड़ी तकलीफ है, पानी नहीं है। और ऊँट तो मेरे को लगता है कि कितनी बाल्टी पानी पी जाता है एक बार? एक ऊँट तो 4 बाल्टी तो पानी पीता है नहीं। 4 बाल्टी? तो आप तो सुबह शाम यानी कि पानी पिलाने पे ड्यूटी लगी रहती होगी। आप कहाँ से आए भाई साहब? जालौर से। कितने ऊँट लेके आए हो? 7 ऊँट। 7 ऊँट लेके आए हो? तो प्रशासन का कोई आदमी आया कि नहीं आया हाल चाल पूछने के लिए? कोई नहीं आया यार, मैं तो नहीं आया, परेशान है यार, पानी की व्यवस्था नहीं, पानी की नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बिजली नहीं। चलो एक बार को लाइट दो या मत दो, पर पानी तो दो ही दो। कुछ भी नहीं दिया कि मेला आगे लगाओ, आगे लगाओ, आगे लगाओ, ऐसा करना, आगे काट दिया। रोई में बाजार तैयार, 5 किलोमीटर बाजार रहेगी, कौन सामान लावे, फसल लार बगान नहीं जावे, ऐसी यार मेला में। यानी अब की बार हालत खराब है। कितने ऊँट आ चुके होंगे लगभग अभी तक मेले में? 1500 ऊँट। ये इधर उधर बैठे हुए हैं कैसा वाला? अलग वहाँ से देखो, दौरे के नीचे देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, 2000 से बाहर है। 2000 से बाहर है? पर आपको ये पता नहीं था कि मेला कैंसिल है? आपके पास में वो छोटा वाला फोन होगा इसलिए नहीं पता लग पाया होगा? अब मेले में आके बैठ गया, उनने बाद में बोला कि मेला नहीं लग रहा, मेला नहीं लग रहा। पहली बोली आता मेले में आता ही नहीं है, वो समस्या वाला काम हो गया। हम जैसलमेर से आए यार, 8-10 रोज तो लगे। वो कितना किलोमीटर पड़ जाता है जैसलमेर से? जैसलमेर तो हमारे यहाँ 400 ये पड़ जाती है, 350 हमारे से आगे, वो 400 वो पड़ती है, 700-800 किलोमीटर। तो ऊँटों को पैदल चला के लेके आए क्या? अब लेके जाना ये तो भारी काम हो जावे। कम से कम मेरे को लगता है पानी की व्यवस्था तो कर देनी चाहिए है ना, क्योंकि मान के चलो पानी तो हम हमारे घर के सामने जो अजनबी आदमी आता उसको भी पिला देते, तो जानवरों को अगर सरकार पानी पिला देती तो कम जानवर 5-10 लाख का पानी पी लेते टैंकर, और इससे ज्यादा क्या पी लेते। पानी की व्यवस्था हो जाता नहीं तो अभी कुछ भी हो जाता, पानी की व्यवस्था नहीं। तो भाई जो भी सरकार के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई कम से कम पानी की व्यवस्था तो कर दो। पानी की व्यवस्था का ऐसा है भाई, देखो पानी तो हम हमारे घर पे जो कोई अजनबी आदमी भी आ जाता है उसको भी पिला देते हैं, पानी के लिए लोग प्याऊ भी लगाते हैं है ना। तो मेरे को लगता है कि पानी की व्यवस्था तो सरकार को कर देनी चाहिए। चलो लाइट की व्यवस्था नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, पर पानी की व्यवस्था तो करो। बाकी आप देख सकते हो रेतीले दौरे जो हैं वो सब ऊँटी ऊँट वहाँ पर आने लग गए हैं। और आप ये देख सकते हो चारों तरफ का जो नज़ारा है, ऊँटों से ये जो मेला है वो भरने के लिए तैयार है और ऊँट आ भी रहे हैं। पर अगर हम बात करें घोड़ों की तो घोड़े आ नहीं रहे हैं, और घोड़े नहीं आने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई प्रशासन ने अगर भगा दिया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि घोड़ों को लाना ले जाना ये भी बहुत कॉस्टली काम है। पर चलो बाहर के लोग नहीं आ रहे तो कम से कम मेरे को लगता है कि आसपास के जो 100-150 किलोमीटर के जो लोग हैं उनको तो कम से कम इस मेले में आना चाहिए। और देखो पुष्कर मेला किसानों की उम्मीद है, पुष्कर मेले से किसानों का एक बहुत बड़ा व्यापार चलता है। किसानों का ही क्या, आप किसी को भी ले लो, सारे लोगों का ही, एक होटल वाले हुए और भी खाने वाले हुए, सारे लोगों का व्यापार चलता है। तो मेरे को लगता है कि सरकार अगर अभी भी सरकार क्या कहना चाहोगे छोटू, पानी वानी पिला के लाए हो क्या? कहाँ से पानी पिला के लाए हो?
बहुत दूर से। थक जाते हो गए? क्या उम्र है तुम्हारी? 11 साल। 11 साल, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? तुम्हारे को पानी की व्यवस्था नहीं है तो? पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, खेल कर दो पानी की। फिर आपने खुद के पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हो? वहाँ पे ही। वहीं पे ही जाते हो? कहाँ से आए हो आप ऊँट लेके? मैं? हाँ, डमांडगढ़। अच्छा, कितना पापा के साथ आए हो या अकेले आए हो? पापा के साथ। पापा के साथ आए हो, तो पानी पिला के लेके आ रहे हो गए है? भाई जी, हाँ। थारी कपनी पर के, थारा नाम पर के, थोड़ा का के नाम है थारा? मेरा नाम प्रदीप। आज दिन थारा नाम लेती वीडियो। हाँ, देखो भाई, देखो इतने छोटे छोटे से बच्चों को पानी पिलाने के लिए ऊँटों को इतनी दूर ले जाना पड़ रहा है, तो मेरे को लगता है कि भाई पानी का इंतजाम तो करा देना चाहिए। और चलो सरकार छोड़ो, पुष्कर की जो नगर पालिका है वो भी पानी का इंतजाम करवा सकती है अगर चाहे तो। और पशुओं को पानी प्रोवाइड कराने से मेरे को ये तो नहीं लगता कि करोड़ों रुपया सरकार का लग जाएगा, हाँ, पर कुछ चंद पैसा सरकार का लगेगा। तो मैं हाथ जोड़ के सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, हम खाली निवेदन कर ही सकते हैं, बाकी करना नहीं करना सब सरकार के हाथ में है, कि भाई इस मेले में ऊँटों के लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए। बाकी आपको मिलते हैं दोस्तों और भी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको दिखाएंगे पुष्कर मेले का जो भी ताज़ा अपडेट होगा।